thank God for another beautiful Sunday that God has given us. Hallelujah. Our God is a good God. Our God is a compassionate God, merciful God. Praise God. आज हम जब परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, हम ये बात अपने जहन में डाल दें. Let us believe this, that our God is the one who knows our future. Hallelujah. We can live our tomorrows. हम अपने कल इसीलिए जी सकते हैं, because our God holds our tomorrow. Amen. If we held our tomorrow, then we will not be in a comfortable place, because we even don't know what is coming up. We don't know what is coming tomorrow. हमने नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हमारे परमेश्वर को सिर्फ कल के बारे में नहीं पता है. हालेलुया. वो अनंत से अनंत चीज़ों की बात की भी खबर रखता है, बिकॉज ही नोस द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग. हालेलुया. वो अल्फा है और वो ओमेगा है. प्रेज गॉड. अल्फा ओमेगा ग्रीक अल्फाबेट के जो जो पहला और आखिरी का शब्द है, वही है परमेश्वर. हालेलुया. वो आदि में था, वो अंत में भी रहेगा. प्रेज गॉड. एंड ही इज द वन हु होल्ड्स आवर टुमारो. आमेन. जब हम इस जिंदगी में हम आगे बढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर लिविंग आवर लाइफ, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द गॉड्स विल फॉर आवर लाइफ. परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत ज़रूरी है. एंड मेनी ऑफ अस हैव दिस क्वेश्चन, है ना, मेनी ऑफ अस हैव दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में. आमेन. हालेलुया. यस, बहुत प्रचार हमने सुना है कि परमेश्वर की इच्छा अच्छा है, भला है, परमेश्वर ये करेगा, वो करेगा. देर आर सो मेनी प्रोमिसज, बट वेन इट कम्स टू आवर ओन लाइफ, वेन वी फेस सिटुएशन और वेन वी गो थ्रू थिंग्स दैट आर नॉट वेरी कम्फर्टेबल फॉर अस, कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें हमारे जीवन में होती है, उसके बीच में कई बार हम ये सवाल करने लगते हैं, इसमें परमेश्वर की क्या इच्छा है, ऐसा क्यों हो रहा है. प्रेज गॉड. इसी बात को हम आज परमेश्वर के हाथ में सौंप के हम वचन में जाएंगे. एंड आज का वचन मैं प्रिपेयर्ड नहीं था कि आज मुझे देना है, लेकिन कल रात को पास्टर बेंसन ने कहा कि उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और वो शायद वचन से आज सेवकाई नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा में आश्रित होकर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ. तो प्रार्थना में रहिएगा कि परमेश्वर जो कहना चाहता है, जो बात करना चाहता है हमसे, परमेश्वर वो करे, हम ये प्रार्थना में रहे. प्रेज गॉड. और साथ ही साथ हमने प्रार्थना किया है कि पास्टर बेंसन को अभी इसी समय चंगाई मिल गई है, मेरा विश्वास है, और वचन का प्रघोषण, वचन चंगाई उनके जीवन में लाएगा. प्रेज गॉड. बिकॉज अब गॉड विल इज ऑलवेज टू हील अस. आमेन. हमारी परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमें चंगा करने की है. प्रेज गॉड. इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा था. आमेन. वो हमारे पापों को अपने शरीर में ले लिया, उसने हमारे रोगों को अपने शरीर में ले लिया, और वो क्रूस पर मारा गया, और उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं. इफ जीसस कमिंग टू दिस अर्थ वॉज द विल ऑफ गॉड, देन हीलिंग इज ऑल्सो द विल ऑफ गॉड, बिकॉज थ्रू जीसस वी हैव रिसीव्ड अवर हीलिंग. आमेन. हालेलुया. आप बाइबल में कई प्रोमिसेस को देख रहे, बहुत सारे प्रोमिसेस है हीलिंग के प्रोमिसेस. प्रेज गॉड. हालेलुया. लेट अस टेक दोज वर्ड्स इनटू अवर बॉडी. यदि आपके जीवन में कोई रोग है, यदि आपके जीवन में कोई क्लेश है, नो, टेक दोज वर्ड्स एज मेडिसिन. आमेन. आई हैव सीन द पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड वर्किंग. हालेलुया. यदि हम परमेश्वर के वचन को लें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हीलिंग लाएगा, हीलिंग लाता है, हीलिंग आगे भी लाएगा. प्रेज गॉड. हालेलुया. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है. इसीलिए आज हम वचन की ओर जाएंगे. आज मेरे जो शिक्षण का जो शीर्षक है, प्रेज गॉड, द टाइटल ऑफ द मैसेज इज जर्नी टू द सेंटर ऑफ गॉड्स विल. आमेन. परमेश्वर की इच्छा की ओर एक यात्रा, और सिर्फ इच्छा की ओर नहीं, परमेश्वर की इच्छा के केंद्र बिंदु की ओर यात्रा. प्रेज गॉड. कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, लेकिन हम उसके बाउंड्री में आके हम अपनी यात्रा को रोक देते हैं. प्रेज गॉड. इफ वी हैव टू रिसीव इन फुलनेस, यदि हमको भरपूरी से परमेश्वर की इच्छा में जीना है, तो उस केंद्र बिंदु में आना जरूरी है. प्रेज गॉड. हालेलुया. कई बार हम बॉर्डर लाइन में रहते हैं, कई बार हम सिर्फ एक पैर अंदर रखते हैं,
और दूसरा पैर बाहर रखते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि क्यों मैं परमेश्वर की इस इच्छा को मेरे जीवन में कार्य होते नहीं देख रहा। परमेश्वर की इच्छा तभी कार्यरत होगी जब हम उसके सेंटर में आएंगे और परमेश्वर को भी हमारे जीवन के सेंटर में रखेंगे, केंद्र बिंदु में रखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज जब हम वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को आपने वो सही स्थान दिया है, उस केंद्र बिंदु का स्थान दिया है। गॉड इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ एंड दैट इज द रीजन यू आर हियर, और एल्स व्हाट इज द नीड फॉर यू टू बी हियर। प्रेज गॉड। सो वी ऑल नो दैट आवर गॉड इज अ वंडर वर्किंग गॉड, वी ऑल बिलीव इन हिम, बट टूडे वी आर लुकिंग इन टू अंडरस्टैंडिंग गॉड्स विल, वी आर लुकिंग इन टू द जर्नी टू द सेंटर ऑफ गॉड्स विल। आई डोंट नो, सम ऑफ यू मे फील दैट दिस इज अ कैची टाइटल, यस, बिकॉज वन ऑफ द मूवीज, आई थिंक सम ऑफ यू मे रिमेंबर, इट सेज जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, देर इज वन हॉलीवुड मूवी, बट या, बट माई गॉड इज बिगर दैन एनी मूवी, सो आई हैव सीन दैट मूवी, इट्स अ वेरी वंडरफुल मूवी, आई ऑलवेज लाइक इट, बट टूडे वेन आई एम पिक्चर, आई एम गिविंग यू अ पिक्चर ऑफ गॉड्स वर्ड और गॉड्स विल, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट यू विल एवर सी। प्रेज गॉड, हालेलुया, क्योंकि हमारे परमेश्वर की इच्छा से खूबसूरत इच्छा कोई और नहीं है। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विद दिस डायग्राम दैट आई गॉट फ्रॉम इंटरनेट, सो दिस इज समथिंग, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, आई मीन ये एक ट्रायंगल है, इट्स ए त्रिकोण है। प्रेज गॉड, तीन कोने हैं इस डायग्राम में, आपको दिख रहा होगा मुझे विश्वास है। एंड इन दिस ट्रायंगल दैट देयर आर थ्री पॉइंट्स एंड वन पॉइंट इज माय विल, आवर विल, फ्लैश, आमेन। जब हम इस शरीर में हैं, वी विल हैव आवर ओन विल, यस, वी कैनॉट से दैट आई डोंट हैव एनी विल। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, sometimes there is a craving that we want to eat this kind of food, amen, we want to eat this in breakfast, we want to eat this in lunch, there is a craving, and that is the will of the flesh, amen, that is not the will of the spirit, that is not the will of the soul, it is the will of the flesh. Our flesh desires it, or sometimes our flesh desires many other possessions as well, physical possessions. When we see a very beautiful vehicle, you know, plying around, and we are in a very, you know, in a very normal vehicle, sometimes our will is to, okay, one day I want to have that vehicle. Praise God, that is the desire of our flesh. Okay, so there is our will, हमारा एक इच्छा है, हम सब कबूल करते हैं और ये सही है, हमारा एक विश्वास है। दूसरा कोना में, it is God's will and best for our life. That is the second point of the triangle. It is the will of God which is best for our life. Amen. जब हमारी इच्छा है, हमारे इस देह की इच्छा, हमारे fleshly एक will, उसके साथ ही परमेश्वर की एक इच्छा है हमारे जीवन में, और उसकी इच्छा हमारे जीवन में सबसे best देने की है। लेकिन कई बार हम उसकी इच्छा के ऊपर हमारी इच्छा को रख देते हैं, and we override God's will in our life. Sometimes we थिंक ओके आई वॉन्ट दिस नाउ, हम कई बार बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए और मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे अभी चाहिए, राइट right? लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या रहती है, हाँ तुम्हें मैं दूंगा बेटा, मैं तुम्हें दूंगी बेटी, बट यू हैव टू वेट, बट वी आर नॉट रेडी टू वेट बिकॉज आवर फ्लैशली विल और आवर फ्लैश का जो इच्छा है वो बहुत ही तीव्र तरीके से उस परमेश्वर की इच्छा के ऊपर हावी हो जाता है, और हम कई बार जल्दबाजी में एक कदम उठा लेते हैं। आमीन। हम मोसेस को जानते हैं, राइट? मोसेस जब बढ़ रहा था, वो महल में बढ़ रहा था, आमीन, परमेश्वर का एक समय था उसे इस्तेमाल करने का, लेकिन वो अपनी एक इच्छा के अनुसार उसने एक कदम ले लिया, ही टुक ए स्टेप, राइट, ही सॉ यू नो पीपल फाइटिंग एंड ही थॉट दैट यस इट इज द टाइम टू स्टेप इन, इट इज द टाइम टू बी द लीडर, आमेन। लेकिन परमेश्वर का वो समय नहीं था, परमेश्वर का समय अलग था, लेकिन मोसेस का उस फ्लैश विल, उसके उस गॉड्स विल के ऊपर हावी हो गया, और हम देखते हैं क्या हुआ जब उसने वो कदम लिया, उसके बाद उसको 40 साल मरुभूमि में एक चरवाहा बन के गुजारना पड़ा, एक योद्धा जो एक महल में पला और बड़ा, अभी वो कहां पर है, वो मरुभूमि में, आमेन, भेड़ों को चर रहा है, ना तो कोई
उसे जानता है एकदम, एकदम अनजान बन के वो जी रहा है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब गॉड कहता है वेट, हम बोलते हैं नो आई वी कैन नॉट वेट बिकॉज आई रियली नीड इट नाउ, एंड देन वी ओवर राइड गॉड्स विल एंड वी मे गेट समथिंग बट इट मे नॉट बी द बेस्ट, राइट? बट वेन वी वेट, गॉड इज विलिंग टू गिव अस द बेस्ट एंड इन हिज टाइम ही डज एवरीथिंग ब्यूटिफुल। तो आज सबसे पहला वचन आपको मैं ये देना चाहता हूं, व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ गॉड्स विल, अंडरस्टैंड दैट गॉड्स विल इज टू ऑलवेज गिव बेस्ट फॉर आवर लाइफ, राइट? एंड गॉड डज नॉट वर्क इन आवर टाइमिंग, वो हमारे समय में कार्य नहीं करता। आमेन। जहां पर परमेश्वर है वहां समय है ही नहीं। आमेन। वो अनंत में वास करता है। हम परमेश्वर को समय में सीमित नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को बोल नहीं सकते। परमेश्वर का एक समय है, इन हिज टाइम ही डज एवरीथिंग ब्यूटिफुल, चाहे कोई भी विषय हो जाए। यदि हम परमेश्वर के ऊपर आश्रय रखे, परमेश्वर सही समय में खूबसूरत तरीके से वो करता है। तो ये दूसरा कोना क्या है, गॉड्स विल एंड बेस्ट फॉर आवर लाइफ, दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। नाउ थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवर विल, द विल ऑफ आवर फ्लैश, गॉड्स विल विच इज बेस्ट फॉर आवर लाइफ, when it moves towards God's will, God's perfect will, God's immovable will, God's unshakable will, God's God's very steadfast will and his kingdom, when it moves towards it, that is the beautiful picture that God wants to paint in our life. Parmeshwar ki us ichcha ki aur jab hamara flesh ki ichcha bhi jati hai, और जब परमेश्वर जो हमारे जीवन में इच्छा रखता है वो भी उस एक ही डायरेक्शन में जब जाती है, तब जाके हमारा जीवन उस परमेश्वर की इच्छा के एकदम केंद्र बिंदु की ओर जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे हम जानते हैं वो प्रेयर जहां लिखा है नॉट माइन बट दाइन, हालेलुया, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज गॉड, यीशु मसीह का प्रार्थना था, वो चाहता था कि ये जो दुख का कटोरा है परमेश्वर पिता उसके हाथ से छीन ले, राइट? ही वॉन्टेड दैट दिस कप ऑफ सफरिंग शुड बी टेकन अवे, बट देन ही प्रेड, बट नॉट माइंड बट दाइन विल बी डन। हालेलुया। एंड जीसस वॉज सेटिंग एन एग्जाम्पल। देर आर मेनी टाइम्स इन अवर लाइफ देर मे बी सफरिंग, आमेन। सफरिंग इज नॉट समथिंग दैट इज अवे फ्रॉम ए क्रिश्चियन। इफ वी कॉल अवरसेल्व्स ए क्रिश्चियन, हालेलुया, क्राइस्ट सफर्ड फॉर अस। And when we are calling ourselves a Christian, suffering is a part of it. And in that suffering, we should understand that we suffer for God's will and kingdom. And when we suffer, we see that we are moving towards the center of God's will. And slowly but surely, आप अपने आप को परमेश्वर की उस खूबसूरत इच्छा में आप देखेंगे और परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में होते देखेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम वेट नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है, राइट? व्हाट इज आवर विल, द स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे शुरुआत की जो एकदम बेसिक टीचिंग है वो क्या है। सबसे पहला चीज, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। कई बार लोग पूछते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो मुझे आपको कहना है मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर के प्रोमिसेस हैं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। हालेलुया। जितने भी वचन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा 40 लेखकों से लिखा है, हालेलुया, वो सब परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है। तो यदि आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है, तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी होगा। और ये कहां कहां कहा गया है, देखिए, सबसे पहले जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, यदि परमेश्वर की इच्छा है, प्रेज गॉड, तो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हम सबको पता है परमेश्वर कभी नहीं बदलता, और ऐसा एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं बदलता, उसकी इच्छा भी कभी नहीं बदलती। हालेलुया। लेकिन हम क्या है, मनुष्य हैं। कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य बदलते हैं। आज मैं भी बदलता हूं, आज मैं जैसा हूं, मैं शायद एक साल के बाद वैसा नहीं रहूंगा, क्योंकि अब मुझ में बदलाव है। हालेलुया। मानुष्य जीवन में बदलाव, चेंज इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, देर इज अ प्रोवर्ब, चेंज इज कॉन्स्टेंट, राइट? हमेशा एक बदलाव रहता है। वो मनुष्य क्योंकि
वो स्थाई नहीं है, परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर ही विल बी द सेम, उसका वचन यही कहता है, लेकिन मनुष्य बदलता है। लेकिन परमेश्वर जब बदलता नहीं है तो हमें यह भी समझना है कि परमेश्वर की इच्छा भी कभी नहीं बदलती। हालेलुया, प्रेज गॉड। यदि परमेश्वर बदलते रहता तो उसकी इच्छा भी बदलते रहती, और यदि ऐसा रहता तो हम परमेश्वर के ऊपर आश्रित नहीं रह सकते थे, क्योंकि परमेश्वर बदल रहा है तो हम किसके ऊपर अपने विश्वास को टिकाएंगे। हमने परमेश्वर के पास हम जब जाते हैं, हमें यही विश्वास है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आज उसका वायदा यदि मेरे जीवन में है, इफ देर इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड इन माई लाइफ, दैट प्रॉमिस विल स्टिल रिमेन इवन 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 10 साल के बाद भी वो प्रॉमिस नहीं बदलेगा। प्रेज गॉड। तो मत्ती 24 का 35, मैथ्यू 24 का 35 में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, हिंदी में ही पढ़ूंगा। हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड्स विल नेवर पास अवे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उसकी इच्छा को दर्शाता है, तो मैं परमेश्वर का वचन कैसा है इस वचन से हम अंदर ले। हेवन एंड अर्थ विल पास अवे, यहां देखिए सिर्फ अर्थ के बारे में नहीं लिखा है, हेवन भी लिखा है। प्रेज गॉड। हेवन भी पास, इट विल पास अवे, पृथ्वी और स्वर्ग आकाश टल जाएगा, लेकिन क्या नहीं टलेगा? परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। ये जो खूबसूरत एक प्रॉमिस है, दिस इज द ट्रूथ। हालेलुया। टुडे वी सी दैट थिंग्स अराउंड अस आर चेंजिंग, आमेन। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस चेंजेस, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस यू नो अनसर्टेनिटी, वी हैव समथिंग टू होल्ड ऑन। हमारे पास एक स्थिर चीज है, वो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि आकाश भी टल जाएगा, स्वर्ग भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। और मुझे आपको सबसे पहले यही कहना है कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब आप अपने बाइबल को लेते हैं, राइट, आप जब इससे पढ़ते हैं, जब परमेश्वर आपको प्रकाशन देता है, जब पवित्र आत्मा आपका मदद करता है, जब आप कुछ वचन को पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके दिल में कहता है, बेटा बेटी ये वचन तेरे लिए है, एंड देन वी होल्ड ऑन टू दैट प्रॉमिस। कभी कभी हम उस वचन को एक बीज बनाकर, एक सीड बनाकर अपने हृदय में बोते हैं। हम बोलते हैं, यदि परमेश्वर ये वचन, यदि ये कहा गया है तो मैं इसे रिसीव करता हूं। जब आप ऐसा करते हैं, आप क्या कर रहे हैं पता है? आप परमेश्वर की इच्छा को अपने अंदर ले रहे हैं। और ये वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो भी कभी नहीं टलेगी। हालेलुया। जब हम एक यात्रा में हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के सेंटर में जा रहे हैं, तो ये जो परमेश्वर का वचन है, ये हमारे जीवन का सेंटर बनना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का जो वचन है, यदि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनता है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने जीवन में वही करता हूं जो वचन के आधारित है। यदि वचन में कहा गया है कि ऐसा नहीं करना है, तो हमें कोशिश करना होता है कि हम ऐसा नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरा रिलीजियस बन के एक रूल बना के करना है, क्योंकि हमारे मन को हमें नया करना है। कई बार आदतें बन जाती है, देर आर हैबिट्स, समटाइम्स देर इज अ हैबिट ऑफ यू नो गेटिंग इन टू एंगर, क्रोध में आना, कुछ भी सुनो तो क्रोध, या फिर हाथ उठा देना, या फिर मुंह से कुछ भला बुरा कह देना, राइट, ये हैबिट बन जाता है क्योंकि हम दर रोज करते हैं। लेकिन जब हम मसीह में जब आते हैं, परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है कि नो इन योर एंगर नॉट सिन, तो हमें उस वचन को लेके हमें अपने एंगर को मैनेज करना है। एंगर को हमारे ऊपर मैनेज करने नहीं देना है, लेकिन हमें उस क्रोध के ऊपर मास्टर करना। और जब हम प्रतिदिन उस वचन को लेकर हम उसे अपने जीवन में लेते हैं, अपने मन को नया करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की उस इच्छा के उस सेंटर में जा रहे हैं। प्रेज गॉड। और परमेश्वर की इच्छा का सेंटर क्या है? इन योर एंगर डू नॉट सिन। तो जब आपको नेक्स्ट टाइम जब एंगर होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जब मैं गुस्सा हो रहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा होगा, इट इज अ इमोशन फ्रॉम गॉड, इवन गॉड गॉट एंग्री, आमेन, परमेश्वर भी गुस्सा हुआ, दैट मीन्स दिस इज अ डिवाइन क्वालिटी। लेकिन कई बार जब हम गुस्से में आ जाते हैं, वी सिन, हाउ वी सिन,
when we allow the anger to rule over us. Praise God. So sabse pehla cheez, God's will, word is his will. Praise God. Hallelujah. Dusra, usi vachan mein rehke, Yuhanna 17 ka 17 mein aisa likha gaya hai, wahi baat mein main point karunga. Yuhanna 17 ka 17, John chapter 17 verse 17 says, sanctify them by the truth. This is the prayer of Jesus. Yeshu Masih cross par chadhaye jane se pehle, amen, वो अपने डिसाइपल्स के लिए, उस समय के जो डिसाइपल्स है, आगे वाले डिसाइपल्स, सबके लिए प्रे करता है. वो 17 में वहां कहा गया है कि सैंक्टिफाई देम बाय द ट्रूथ, एंड ये ट्रूथ क्या है? योर वर्ड इज ट्रूथ. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है. तो अभी हमने देखा कि वचन टलता नहीं है, और अभी दूसरा चीज हम देख रहे हैं कि वचन सच है. हालेलुया, हमेशा वचन सत्य है. परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है. मनुष्य का वचन, मनुष्य का वादा कभी कभी झूठा होता है. कभी कभी हमें बहलाने के लिए लोग हमसे वायदा करते हैं, है ना. कितने लोग, बहुत सारे लोग कॉरपोरेट में हैं, जब अप्रेजल्स होता है, हमें उम्मीद रहती है कि हमें इतना परसेंट हाइक मिलेगा, या फिर हमें प्रमोशन की उम्मीद रहती है. लेकिन जब अप्रेजल्स का डिस्कशन होता है, तो हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, कई बार वायदा देते हैं कि देखो अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन 6 महीने के बाद मैं कुछ कर सकता हूँ, राइट. कई बार वो वायदा खोखला होता है, क्योंकि हम 6 महीने के बाद हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उस समय सिचुएशन बदल गया, क्योंकि मनुष्य की जो वाणी है वो हमेशा ऐसे ही रहती है. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा सच होता है. परमेश्वर ने यदि आपके जीवन में एक वचन दिया है, एक वायदा दिया है, तो मुझे आज आपको यही याद दिलाना है, ये यीशु मसीह के वचन है, कि उसका जो 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 वचन है वो सच है, और वो हमें पवित्र करता है. आमीन. हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और जब परमेश्वर हमसे फेलोशिप रखना चाहता है, ही वॉन्ट्स दैट वी शुड बी ऑल्सो होली. आमीन. वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने. हालेलुया. जब हम परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन चलते हैं, हमारे अपवित्र स्वभावों को हमें छोड़ना होगा. आमीन. ये है मन को नया करना. प्रेज गॉड. जब हम परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन चलते हैं, उसके वचन को हमारे अंदर लेते हैं, एंड वी रिसीव इट एज द ट्रूथ, वो जो सच है वो हमें आजाद करता है, जो हम उस सच को जानते हैं. प्रेज गॉड. तो यहां पर जैसे यीशु प्रार्थना कर रहा है कि आपके सच सच से इन्हें आप पवित्र करो, और क्या है यह सच? आपका वचन सच है. और हम, मैंने क्या कहा सबसे पहले, आपके जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है वो परमेश्वर का वचन है. प्रेज गॉड. हालेलुया. दूसरा, परमेश्वर का उस इच्छा की ओर हमें यदि कोई लीड करता है या फिर गाइड करता है. हम सब कई बार वेकेशंस में जाते हैं, तो नए जगह में जाते हैं, तो हमें उस इलाके का सब कुछ नहीं पता रहता है ना. जैसे हम कभी ताजमहल गए होंगे, तो ताजमहल के सब बाहर सबसे ज़्यादा जो बिजनेस करते हैं वो है जो क्या बोलते हैं उसको, गाइड्स, राइट. बहुत सारे गाइड्स रहते हैं, और वो आके हमें हमारे प्रपोजल देते हैं, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको इतने में ये सब दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा, वो प्रपोज करते हैं. गाइड का यही काम रहता है कि हर व्यक्ति को उस जगह के सब चीज़ों के बारे में ज्ञात कराए और बताए और गाइड करे. लेकिन जब हम इस यात्रा में हैं, जहां पर हमें परमेश्वर की इच्छा के केंद्र बिंदु की ओर जाना है, तो हमारा एक गाइड है, और वो क्या है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा. हालेलुया. गॉड स्पिरिट इज अवर गाइड, एंड इट इज नॉट ओनली गाइड, इट इज ऑल्सो समवन हु लीड्स अस. लीडिंग एंड गाइडिंग इज टू डिफरेंट थिंग्स. हालेलुया. जब हम बोलते हैं कि समवन इज लीडिंग मी, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति मेरे से आगे चल रहा है, वो मुझसे आगे चल रहा है, और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूं. दैट इज लीडिंग, राइट. वो व्यक्ति जो मेरे सामने है, वो जो करता है मैं भी वही करता हूं. कई बार हमें रास्ता नहीं पता रहता, तो हम बोलते हैं मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे पीछे हो ले. तो हम यदि हम किसी के पीछे चल रहे हैं, तो हम हमेशा यही रखते हैं कि जब आगे वाला गाड़ी जिसका हम फॉलो कर रहे हैं वो ब्रेक जब मारता है, तो हमें भी क्या करना पड़ता है? ब्रेक मारना पड़ता है. वो जब राइट इंडिकेटर डालता है, तो हमें भी क्या करना पड़ता है? राइट इंडिकेटर डालना पड़ता है. तो यहां पर कहा गया है कि परमेश्वर की आत्मा हमें लीड करता है, राइट. तो ही लीड्स,
एंड ही नॉट ओनली लीड्स, ही गाइड्स. गाइड का मतलब है कि वो हमारे साथ है, हमारे एकदम साइड में है, वो हमें गाइड कर रहा है. जब हम गिरते हैं तो वो हमें उठाता है. प्रेज गॉड. वो हमें कई चीजों के बारे में बताता है, गाइड करता है. जब हमारे जीवन में कोई संघर्ष आते हैं, जब हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आते हैं जिस सिचुएशन से हम कभी नहीं गुजरे हैं, तो उस समय कौन हमें गाइड करेगा, राइट? अभी हम देखते हैं कि हम कई लोगों के पास जाते हैं कि आप क्या करें, क्या ये सलाह लेने के लिए, लेकिन एक सलाहकार, एक एक एडवोकेट, एक गाइड हमारे साथ है, वो है परमेश्वर की आत्मा. और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना जॉन चैप्टर 16 का वर्स 13 में, प्रेज गॉड, यहां पर फिर से यीशु मसीह ने कहा है, एक वायदा, दिस इज अ प्रॉमिस एंड दिस हैज बीन फुलफिल्ड. आज जब हम 2020 जुलाई 12 में हैं, दिस इज ऑलरेडी फुलफिल्ड, राइट? एंड दिस स्पिरिट विच जीसस इज टॉकिंग अबाउट इज राइट हियर विथ अस, एंड दैट स्पिरिट इज लीडिंग अस, दैट स्पिरिट इज गाइडिंग अस. सच अ ब्यूटिफुल प्रॉमिस. यहां पर क्या लिखा है, बट वेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ कम्स, ही विल गाइड यू इन टू ऑल द ट्रूथ. अब हमने क्या समझा था, ट्रूथ क्या है, परमेश्वर का वचन. यदि हमें परमेश्वर का वचन के बारे में जानना है और उसमें चलना है, तो कौन हमें गाइड करेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा. और आगे क्या लिखा है, ही विल नॉट स्पीक ऑन हिज ओन, ही विल स्पीक ओनली वॉट ही हियर्स एंड ही विल टेल यू वॉट इज येट टू कम. आई मीन आगे के बारे में. यदि आपको समझ में नहीं आता, कई बार हम ऐसे जगह में पहुंचते हैं, क्रॉस रोड्स में पहुंचते हैं, कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शायद 5 ऑप्शंस हैं या फिर 4 ऑप्शंस हैं, और हमें नहीं पता कि हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें. प्रेज गॉड. तो इस सिचुएशन में हमें जानना होता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है. अब उस परमेश्वर की इच्छा के जानने के लिए कौन हमें मदद करेगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा. जब हम पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनकर हम पवित्र आत्मा को बोलेंगे, पवित्र आत्मा मैं मानता हूं यू आर द वन हु लीड्स मी, यू आर द वन हु गाइड्स मी, हालेलुया. मेरे पास 5 ऑप्शंस है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, हालेलुया. तो यदि हम पवित्र आत्मा से मांगे, समटाइम्स द होली स्पिरिट, इफ वी आस्क इन फेथ, इट गिव्स अस रेवलेशन. वो हमें प्रकाशन देता है कि देखो ये बाकी के 4 ऑप्शंस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, यही अच्छा है, यहां चला जाओ. लेकिन कई बार क्या होता है, मानुषिक आंखों से देखते हैं तो वो ऑप्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फीका नहीं लगता, और हम परेशान हो जाते हैं. तो आपको वो पहला ट्रायंगल याद है, यहां पर फ्लैश का विल हमेशा गॉड के विल के साथ कंपीट करता है. लेकिन मुझे ये कहना है कि गॉड का विल परफेक्ट है. जितना भी कंपीट कर लो, गॉड के विल को कोई नहीं हरा सकता, परमेश्वर की इच्छा को कोई नहीं हरा सकता. लेकिन जब वो फ्लैश के विल को हम अपने ऊपर हावी करने देते हैं, तो कई बार हम उस परमेश्वर की इच्छा से हम छूट जाते हैं. प्रेज गॉड, हालेलुया. तो यहां पर लिखा है कि ये जो सत्य का आत्मा है, वो आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा. प्रेज गॉड, हालेलुया. कई बार हमें फ्यूचर के बारे में चिंता होता है, राइट? क्या होगा? प्रेज गॉड. तो ये अभी कौन बताएगा? हालेलुया. आमेन. देयर इज नो फॉर्च्यून टेलर. होली स्पिरिट इज नॉट अ फॉर्च्यून टेलर. होली स्पिरिट डज नॉट स्पीक ऑन हिज ओन. होली स्पिरिट वही बात हमसे बात करता है जो वो सुनता है. होली स्पिरिट वॉज सेंट बाय फादर गॉड. जब जीसस गया, जीसस ने फादर को बोला एंड फादर सेंट द होली स्पिरिट. आमेन. आज जीसस फादर गॉड के साथ हेवन में, जीसस इज सीटेड ऑन द राइट साइड ऑफ फादर गॉड. आमेन. बट द होली स्पिरिट इज नाउ विद अस. होली स्पिरिट ओनली स्पीक्स व्हाट ही हियर्स. होली स्पिरिट इज द नॉट द वन हु स्पीक्स ऑन हिज ओन. हालेलुया. वी ऑल नो द ट्रायन गॉड, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट. आमेन. 3 पर्संस, 1 गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड, हालेलुया. इट डज नॉट स्पीक ऑन हिज ओन. तो ये जो पवित्र आत्मा है, वो हमें लीड करेगा, गाइड करेगा, कहां? परमेश्वर की इच्छा के उस केंद्र बिंदु में पहुंचने के लिए. प्रेज गॉड. अगला, अभी परमेश्वर की इच्छा क्या है? आमेन, हालेलुया. हमने पहले देखा परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है. फिर दूसरा देखा परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें लीड करती है, गाइड करती है उस परमेश्वर की इच्छा में पहुंचने के लिए. अभी तीसरा हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमें छुटकारा देने के लिए है. कहां से?
आज के इस समय के जितने भी ईवल चीज हैं, दुष्ट बातों से वो हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर इच्छा रखता है। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। गलतियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3 से लेकर 5, गैलेशियंस चैप्टर 1:3-5, प्रेज गॉड, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर पौलुस लिखता है, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा, हम ध्यान से सुनिएगा। ग्रेस एंड पीस टू यू, आमेन, अनुग्रह और शांति, आमेन, आपकी आप में बनी रहे फ्रॉम गॉड अवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हु गेव हिमसेल्फ। अभी जीसस क्राइस्ट गेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को दे दिया, किसके लिए दे दिया, फॉर आवर सिंस, हमारे पापों के लिए। क्यों दे दिया, टू रेस्क्यू अस फ्रॉम द प्रेजेंट ईविल एज, हालेलुया। आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, वो कुर्बानी जब उसने दी तो उसका एक उद्देश्य यह था कि ही वॉन्टेड टू रेस्क्यू अस फ्रॉम द प्रेजेंट ईविल एज, हालेलुया। कई बार जब हम उद्धार पाते हैं तो हम बोलते हैं कि माँ अभी मुझे स्वर्ग में यीशु मिलेगा, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जो इटर्नल लाइफ है, जो उद्धार है, सिर्फ हमें स्वर्ग का एक टिकट ही नहीं देता, हालेलुया, इट इज समथिंग दैट विल डिलीवर अस, रेस्क्यू अस फ्रॉम द प्रेजेंट ईविल एज। आज का जो युग है, परमेश्वर का वचन कहता है ये ईविल है, दुष्ट है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं धरती के ऊपर शैतान का राज है, शैतान की इच्छा हमेशा दुष्ट होती है। आज हमारे इर्द गिर्द रोग है, कष्ट है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, शैतान की इच्छा है, हालेलुया। गॉड अलाउज इट, बट इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड, गॉड्स विल इज टू रेस्क्यू अस, हालेलुया। टुडे आई वांट टू गिव यू द वर्ड ऑफ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस है, हम सब ले ले, व्हेन वी आर वॉकिंग थ्रू दिस प्रेजेंट ईविल एज, आमेन। जीसस गेव हिमसेल्फ फॉर आवर सिंस सो दैट वी विल बी रेस्क्यूड फ्रॉम द प्रेजेंट ईविल एज, नॉट फ्रॉम द फ्यूचर, नॉट फ्रॉम द पास्ट, बट फ्रॉम द प्रेजेंट, हालेलुया। आज मेरे जीवन के खिलाफ जितने भी दुष्ट चीज आने वाली है, उस सब से छुड़ाने के लिए ही यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी क्रूस पर दी थी, हालेलुया। और जब मैं इस पर विश्वास करता हूं, हालेलुया, आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अवर गॉड एंड फादर, यीशु मसीह ने अपनी इच्छा के अनुसार कुर्बानी नहीं दी, आमेन। यीशु मसीह अपनी इच्छा के द्वारा उसने अपनी जान को कुर्बान नहीं किया, यीशु मसीह अपनी इच्छा के कारण क्रूस पर नहीं चढ़ा, बट इट वॉज अकॉर्डिंग टू द विल, विल का मतलब इच्छा, किसकी इच्छा, ऑफ गॉड एंड फादर, हालेलुया, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हालेलुया। इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान किया, आमेन। टू हुम बी ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर, उस पिता परमेश्वर को हम हालेलुया स्तुति और बढ़ाई युगान युग तक देते रहे। टुडे व्हेन वी आर प्रेजिंग, इट इज फॉर दिस, हालेलुया। God gave his only son to rescue us from the present evil age. उसकी इच्छा क्या है? जब हम मुश्किल से गुजर रहे हैं, don't forget this. God's will is to rescue us from the present evil world. आपके दैनिक जीवन में आपके खिलाफ आने वाली हर evil चीजों से छुड़ाने के लिए, चाहे वो रोग है, चाहे वो क्लेश है, चाहे वो नो दुष्ट लोगों की बुरी बुरी जो अस्त्र हैं, उस सब से छुड़ाने के लिए ही यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार क्रूस पर चढ़ा। एंड दिस इज द गॉस्पल आई वांट टू प्रीच टू यू, हालेलुया, दिस इज द गुड न्यूज, आमेन। इन द मिडिल ऑफ ऑल द बैड न्यूज, व्हेन वी आर जर्निंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ गॉड्स विल, लेट अस बिलीव, हमें विश्वास करें कि इस वर्तमान के बुरे चीजों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान कुर्बान कर दी, एंड देन ही सेड इट इज फिनिश्ड, हालेलुया। टुडे
दैट वर्ड इज रिंगिंग इन आवर ईयर्स. आमेन, हालेलुया. आपका नाम लेके यीशु मसीह कह रहा है, माय डियर सन, माय डियर डॉटर, इट इज फिनिश्ड. व्हाट इज फिनिश्ड? आई हैव डन इट सो दैट यू विल बी रेस्क्यूड फ्रॉम द प्रेजेंट ईविल एज. हाउ विल यू बी रेस्क्यूड? व्हेन यू होल्ड ऑन टू माय प्रॉमिस. हालेलुया. जब आप इस सच को अपने अंदर लेंगे, आमेन, दैट इज व्हेन वी विल सी दैट यस, आई एम वॉकिंग थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आमेन, बट Nothing will impact me. Hallelujah. Nothing will touch me because that is the will of God. Hallelujah. Amen. Praise God. आगे हम जाएंगे. God's will क्या है? It is to renew our minds with the mind of Christ. Amen. दो mind के बारे में यहां बताया गया. सबसे पहला हम सबका mind, हम सबका मन, जहां पर हम जितने साल इस धरती में रहे हैं, बहुत अनुभवों के कारण, राइट, बहुत एक्सपीरियंसेस के कारण, देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ विच वी हैव डेवलप्ड अ माइंडसेट. आमेन. दैट इज आवर माइंड, द माइंड ऑफ द फ्लैश, फ्लैश का विल. लेकिन हमें उस मन को नया करना है. किससे नया करना है? विद द माइंड ऑफ क्राइस्ट. परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे. हालेलुया. पहला पत्रस 4:1-2, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4:1-2. हालेलुया. पत्रस, आमेन, ही वॉज द अपोस्टल हु वॉक्ड विद जीसस. हालेलुया. ही इज द ओनली अपोस्टल हु वॉक्ड ऑन वॉटर. आमेन. उसने यीशु मसीह को पानी में चलते हुए देखा और वो चाहता था और उसने बोला, गॉड इफ इट इज यू कॉल मी, आई वॉन्ट टू ऑल्सो वॉक इन वॉटर. एंड जीसस सेड कम. एंड ही इज द वन हु वॉक्ड ऑन वॉटर. He saw Jesus very closely. Amen. Praise God. यहां पर वही पत्रस लिखता है therefore. Amen. If he starts with therefore, जब भी therefore का मतलब है, इसके पहले जो कहा गया है बहुत important है. दिया पहला पत्रस का पहले अध्याय से तीसरे अध्याय में आप देखेंगे, वहां पर suffering के बारे में कहा गया है. एक मसीही को suffer करना है. Amen. तो जब हम उस सफरिंग के बारे में उसने हमें कहा, कलीसिया को कहा, चौथे अध्याय के पहले आयत में वो लिखता है, देयरफॉर सो सिंस क्राइस्ट सफर्ड फॉर अस इन द फ्लैश, क्योंकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, आर्म योरसेल्व्स आल्सो विद द सेम माइंड. ओके, अंडरस्टैंड दिस वेरी स्लोली बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Because Jesus Christ suffered for our sins in the flesh. Amen. Yeshu Masih swarg mein suffer nahi kiya. Wo dehdhari bana, dharti mein aake, he suffered for whom? For us, for me, for you. Amen. He suffered in the flesh. Because he suffered, let us arm ourselves. Arm मतलब अपने आप को आप हथियार दे. This is a हथियार, एक weapon है. This is a arm for us. What is that arm? Arm yourself also with the same mind. With the same mind of whom? Same mind of Jesus. Just imagine, while Jesus was on the cross, what was going through Jesus' mind, right? What is in our mind comes out of our mouth. We all know when Jesus went on the cross, he looked to the Father. He said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hallelujah. He had that mind of forgiveness. He had that mind of, you know, a servant. Praise God. So when we are going through the suffering, right, just like Jesus, let us look to Father. Amen. Hallelujah. Jesus was walking in the will of God when he went to the cross. That's what he said, not my will but let yours be done. Meri ichcha nahi balki pita teri ichcha puri ho. Pita ki ichcha thi ki Yeshu Masih hamare papon ke liye cross par mara jaye, aur uska mind aaj hamare liye ek hathiyar banna chahiye. Amen. We need to arm ourselves with the same mind. Aage likha hai, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Amen. Jo flesh mein suffer kiya hai, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Praise God. Wahan par paap ka khatma hua hai, paap se chhoot gaya hai, jisne sharir mein
दुख उठाया वो पाप से छूट गया. आगे लिखा है दैट ही नो लॉन्गर शुड लिव द रेस्ट ऑफ हिज टाइम इन द फ्लैश फॉर द लस्ट ऑफ मैन बट फॉर द विल ऑफ गॉड. जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, व्हेन वी आर्म आवरसेल्व्स विद द माइंड ऑफ क्राइस्ट जीसस, व्हेन वी टेक ऑन द माइंड ऑफ क्राइस्ट जीसस एंड रिन्यू अवर माइंड्स विद द माइंड ऑफ क्राइस्ट, वी सीज फ्रॉम सिन. हालेलुया, आमेन. और आगे लिखा है कि वी शुड नॉट, राइट, नो लॉन्गर शुड लिव द रेस्ट ऑफ अवर टाइम इन द फ्लैश फॉर द लस्ट ऑफ मैन. आमेन. आज हमारे जीवन में कई पीयर प्रेशर्स हैं, आमेन. हमारे दोस्त या फिर हमारे जो सगे संबंधी कुछ करते हैं, हमें भी ऐसा करना है, लेकिन वो फ्लैश का डिजायर्स के ऊपर हमें जीत पाना है. हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने वो हमारे लिए किया है और आज हमें यीशु मसीह का मन को हमारे अंदर धारण करना है. क्यों करना है? बट फॉर द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर पिता की यही इच्छा है. व्हेन यू गो थ्रू सफरिंग, व्हेन यू गो थ्रू सिकनेस, आमेन, व्हेन यू गो थ्रू ट्रबल टाइम्स, डोंट जस्ट स्टार्ट थिंकिंग विथ योर ओन ब्रेन्स, ओन माइंड. दैट इज द टाइम व्हेन पीटर, पत्रस, The one who was crucified upside down. Hallelujah. Peter was not something who was just speaking out without, you know, doing it. He later did it. He was crucified upside down. He went through suffering. When we go through suffering, first thing, take on the mind of Christ. Yeshu Masih ke jo man hai, usko hum dharan kar liye, wo hamare liye hathiyar bane. Amen. यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया, वो पाप से छूट गया. और हम जब यीशु मसीह के मन को धारण करते हैं, वी लिव द रेस्ट ऑफ आवर टाइम इन दिस फ्लैश, नॉट फॉर द फ्लैशली लस्ट बट फॉर द विल ऑफ गॉड. हम आगे क्यों जिए, किस लिए जिए? परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो. हालेलुया. जब हम प्रार्थना करें तो हम ये प्रार्थना करें, राइट, नॉट ओनली जस्ट प्रे फॉर द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, राइट, क्योंकि जो भी फ्लैश में है वो आज नया है, कल पुराना हो जाएगा, तीसरे दिन आप उसके बारे में पूछोगे भी नहीं. लेकिन जब भी आप प्रार्थना करो, यही प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो. लॉर्ड, आई बिलीव दैट योर विल इज द बेस्ट, राइट, फॉर द विल ऑफ गॉड. आई वॉन्ट टू लीड माई रेस्ट ऑफ द लाइफ. आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई नो योर विल इज गुड फॉर मी एंड आई वॉन्ट टू टेक ऑन द माइंड ऑफ क्राइस्ट. हालेलुया. Praise God. In the middle of all this, you will say, okay, what is an example? We have an example to follow. Amen. I'm just giving one example so that you will remember. Amen. नए नियम से एक व्यक्ति जो पहले शाउल कहलाता था, जो कलीसिया के ऊपर सारा persecution करता था, right? वो कलीसिया के लोगों को निकाल निकाल के मारता था. जो भी मसीही थे उनको वो चुन चुन के अंदर जाके मारता था, उनको अरेस्ट करता था. That Saul who became Paul later, and we know him as Apostle Paul, and he is an example for us to follow. Amen. Praise God. You know, परमेश्वर की जो वचन है वो हमारे लिए स्थाई है. It is not shaken. Right? We all know the Great Commission. Matthew chapter 28, 19 and 20, go and make disciples of all nations, right? Baptizing them in the name of Father, Son and the Holy Spirit and teaching them to obey what I have taught you. That is a great commission. Wo mahan agya hai. Aur prerit Paul us agya ke anusar hi wo prerit bana. Hallelujah. He took the gospel of Jesus Christ and he went to the Gentiles. He was the apostle to the Gentiles. गैर यहूदियों के बीच में उसने सुसमाचार को प्रचार किया. He was the one who was living the great commission. Amen. But look at his life. He took that word, that great commission as the will in his life. Praise God. That was the fixed will. But when it came to Acts chapter 16, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में जब आते हैं, हम वही प्रेरित पॉल जो पवित्र आत्मा से भरा था,
जो सबसे ज्यादा अन्य भाषा में भी बात करता था, पवित्र आत्मा के कई वरदान उसके अंदर थे, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार एक प्रेरित बनकर गैर यहूदियों के बीच में परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहा था। हालेलुया। इसी प्रेरित पॉल के जीवन में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16 का 6 में पवित्र आत्मा, रिमेंबर पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, ही इज द वन हु लीड्स अस एंड गाइड्स अस। दिस सेम होली स्पिरिट इज स्टॉपिंग पॉल, आमेन। वो पॉल को रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? क्या कुछ बुरा करने से रोक रहा है? नहीं, इज स्टॉपिंग पॉल टू प्रीच द वर्ड इन एशिया, आमेन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर का वचन क्या था? ग्रेट कमीशन क्या था? गो इनटू ऑल द नेशंस, आमेन, राष्ट्रों में जाओ, गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशन। एशिया भी उस नेशन में आता था, परमेश्वर की इच्छा वही थी। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, यहां पर एक फिक्स्ड विल था। जब प्रेरित पॉल अपने जर्नी में है, ही वॉज अलाउइंग द होली स्पिरिट टू लीड एंड गाइड हिम। वो पवित्र आत्मा को अलाउ कर रहा था कि वो उसे लीड करे, गाइड करे। एक जगह जब पहुंचता है कि उसे जाना था एशिया में प्रचार करने के लिए सुसमाचार, लेकिन पवित्र आत्मा उसे फॉरबिड करता है, एकदम रोकता है, नहीं जा। आमेन, हालेलुया। समटाइम्स वी हैव टू हियर द डिम वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। You know, there is a fixed will, but when we walk in that, there is also something that will lead us to the right will of God as well at that time. It was not the will of God that you should never preach, but that was not the time to go to Asia. Hallelujah. Sometimes we take some word, right? Word is speaking something. I will do it right now. We need to come to this word asking Holy Spirit to be the lead and the guide. Hallelujah. Sometimes the word may be true, but it may not be right time to go there. Amen. Hallelujah. Praise God. When we want to be at the center of God's will, it is important that we hold on to the word, but it is also important to listen to the spirit of the truth which was given as a helper. Wo ek sahayak ki tarah pavitra atma hamare liye diya gaya hai. Pavitra atma jis tarah Paulus ko rokta hai, wo kaise suna? Because he was ready to listen. Amen. Sometimes the Holy Spirit voice is very dim. Amen. Yahan pe 6 mein hum dekhte hain, stopped him from going to Asia. ओके, पॉलुस बोला ओके एशिया नहीं जा सकते, अभी मैं बिथिनिया जाऊंगा। सातवें में व्हेन ही वाज गोइंग टू बिथिनिया, होली स्पिरिट अगेन स्टॉप्ड हिम। वाओ, व्हाट इज हैपनिंग, राइट? जीसस सेड गोइंग टू ऑल द वर्ल्ड, प्रीच द गॉस्पेल, नाउ आई एम गोइंग टू एशिया, होली स्पिरिट इज स्टॉपिंग मी, नॉट द राइट टाइम माय सन। आई एम गोइंग टू बिथिनिया, होली स्पिरिट इज स्टॉपिंग मी। पॉल इज लिसनिंग एंड देन ही ओबेस, नॉट द राइट टाइम माय डियर सन। Praise God. 9 में, जब 9वें आयत में हम देखते हैं, he sees a vision, एक दर्शन देखता है, because he was obedient. Sometimes we say, okay, everyone has a vision, I don't have a vision. Are you obeying the first few things that you heard, or you just ignored it? Paul was very receptive. हम जब यात्रा कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के सेंटर की ओर, we need to be receptive. If we obey God in the first step, we will hear God's voice in the third step, right? Sometimes what we do, we ignore God's voice in the first step, second step, हम अपने flesh के अनुसार चलते हैं, और जब तीसरे step में आते हैं, हम बोलते हैं, परमेश्वर ने मुझसे क्यों बात नहीं की? परमेश्वर ने जब बात की, did you listen? Did you ask Holy Spirit? Did you invite Holy Spirit in your decision making? Amen? जब आप निर्णय ले रहे थे, did you invite Holy Spirit or you just picked up your mobile and you called 10 people without you personally asking anything? Even asking in prayer, you did not ask in prayer, you just said, I will just ask. Amen. It is a personal relationship. Paul knew it. Amen. 9वें आयत में हम देखते हैं, मैसिडोनिया से एक मनुष्य उसको बुला रहा है हेल्प करने के लिए. Amen. जब हम आगे हम पढ़ते हैं, तो पौलुस निकल पड़ता है, यात्रा में निकल पड़ता है. प्रेज गॉड, ही वॉज वॉकिंग इन द सेंटर ऑफ गॉड्स विल, बेस्ट एग्जाम्पल टू फॉलो, राइट? होली स्पिरिट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग टू एशिया, ही ओबेड.
Holy Spirit stopped him from going to Bithynia. He obeyed. In verse 9, because he obeyed, he sees a vision that a man in Macedonia is calling out to him, asking for help. He exactly knew that this is from the Holy Spirit. He set out on a journey. Hallelujah. And he reached, you know, in the city of Philippi. Abhi dekho, vision mein kya hai? Ek aadmi ko dekha, man ko dekha. It is clearly written man. Amen. लेकिन जब वो फिलिपाई में पहुंचता है वहां पे सिनेगॉग नहीं है, वो एक नदी किनारे जाता है. देर आर अ ग्रुप ऑफ वुमेन. देखिए अभी यात्रा कर रहा है, दर्शन देखा आदमी का, लेकिन जब वहां पहुंचा, हम आगे पढ़ते हैं 16 आदमी वहां पर पहुंचा तो ग्रुप ऑफ वुमेन, राइट. पॉल डिड नॉट स्टॉप सेइंग ओ दिस इज ग्रुप ऑफ वुमेन, आई सॉ अ विजन फॉर मैन, आई विल नॉट गो एंड प्रीच द गॉस्पल. ही डिड नॉट डू इट. आमेन. Sometimes we are so fixed mindset that we stop doing good when Holy Spirit leads us to that place. Hallelujah. You know, one thing that I want to tell you this morning is, don't stop doing good. आप जो अभी कर रहे हैं उसे रोको मत. परमेश्वर की इच्छा आपको उस सही जगह पे ले जाएगा. But it is not the time to stop doing good in the present, right? Sometimes we say, oh no, I only want to do that, so I will not do anything else. You know, you will not reach there unless you do something here. Amen. Unless you do something here, God is not going to take you there. We are all in a rush to go there. But are we doing what God asked me to do here? Paul knew it. And we know what happened. Lydia was saved. Hallelujah. He was walking in the center of God's will. He did not say, oh, I saw a vision of man, I'm not going to preach to women. The reason he went there, amen, there was a Lydia, no, waiting for salvation. Her entire household was saved. Amen. Praise God. Sometimes when we walk in the center of God's will, the kingdom purposes are fulfilled. परमेश्वर के राज्य की जो उद्देश्य है वो हमारे द्वारा पूरी होती है. प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. ये हमको समझना है. पौलुस को एक एग्जाम्पल की तरह हमें लेना है. प्रेज गॉड. यस, ही होल्ड ऑन टू द वर्ड, बट देन ही वॉज ऑल्सो लिसनिंग टू द होली स्पिरिट दैट वॉज गाइडिंग हिम इन एवरी स्टेप, सेइंग नो नो, यस दिस इज द वर्ड, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट दिस इज नॉट द टाइम. प्रेज गॉड. Sometimes we miss our blessing because we are not yet there to receive our blessing. Hallelujah. If you are praying for a blessing, also make sure that when the blessing comes, it should not kill you. Amen. Sometimes blessing is too much overloaded, more than what we can carry. Hallelujah. And that is the reason God says wait. But what we do? No, we want it now. And when the blessing comes, we are not there to handle it. We don't know how to handle this blessing. And then we do all sorts of things and that messes up our life, our relationships. Right? But God knows. And God worked in the life of Paul and Paul knew it. It was not in Asia. It was not in Bithynia. But he needed to be there. Right? In Philippi. And there was a group of women that needed to hear the gospel. There was a Lydia that was waiting. Praise God. Hallelujah. Amen. And we later see that there was revival in the prison as well. May God bless. When we walk in God's word, in His will, there is impossible things that happen. Supernatural things. Beyond our understanding. Hallelujah. Finally, as I end, I wanted to end with this beautiful, beautiful verse. You know, I don't want to give you anything else. Forget everything else, but just hold on to this. Psalm 37, verse 3 to 5. Praise God. You know, I have underlined few things. So just read that. Main English mein padh raha hoon. Trust in the Lord. The first thing, you want to go to the center of God's will? Trust in the Lord. Yehovah par bharosa rakh. Parmeshwar par bharosa rakh. Second, जो अंडरलाइन किया है, एंड डू गुड. इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रस्टिंग, बट इट इज ऑल्सो अबाउट डूइंग गुड वेर यू आर. यस, यू मे नॉट बी देयर. यस, यू आर प्रेइंग टू रीच दैट पोजिशन,
But what, where are you right now? Are you doing good? Yes, you can trust God to take you there. But don't stop doing good here. Amen. That is the word of God. Trust in the Lord and do good. Second thing, dwell in the land. Amen. आप जहां पर भी हैं वहां पर आप dwell करो. Dwell मतलब, you know, be comfortable. Don't be like, okay, I'm here only for a time. I will not give my 100% here. No, wherever you are, dwell. God wants us to dwell in the land and enjoy safe pasture. Amen. Many a times we are not ready to dwell. How can we enjoy? We are like, oh, I don't know, I'm not sure, I'm just trying it out. You know, if that is our mindset, we will never be enjoying safe pastures of God. यदि हमें परमेश्वर के उस, you know, यहाँ कैसे लिखा है हिंदी में, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह. Praise God, देश में बसना है, सच्चाई में मन लगाना है, then we'll enjoy safe pasture. चौथे आयत में, after you start enjoying God, first is doing good, second you enjoy God. Okay, do good, enjoy God. Don't just do good and then you say you don't enjoy God. The reason you are doing good is because God is enabling you to do good. So whenever you do good, the second step that should follow is just enjoy God. Thank God for everything. Don't take credit of anything. What you are doing is not the work of your hand. It is the work of God through your hand. Amen. Do good, enjoy God. Whenever you do good, give glory to God. Enjoy God because it is God who is enabling you. Third is take delight in the Lord. Amen. Praise God. Yehovah ko apne sukh ka mool jaan. Take delight in Him. Right? The reason we gather in the fellowship is to take delight. Yes, everything is happening bad outside around me. But I am here to take delight in my God. Amen. Because I know He is the source of all my joy. Maine pehle bhi kaha hai, joy aur happiness mein fark hota hai. Joy comes from inside. Happiness depends on outside. Amen. When we have Jesus inside, we have our joy coming from inside. Amen. It can never end. But if we are only relying on happiness that is happening outside, things happen bad, we are sad. Things happen good, we are joyful or we are happy. But that is not what God wants. God wants us to be joyful in the Lord. Praise God. Fourth thing, give and He will give you the desires of your heart. Amen. When we do this, that is when you receive the desires. We miss all these first three things and we then directly ask fourth thing. You know, God does not work that way. There is a process. Amen. Praise God. There is a process. And that is the reason when Jesus was explaining the kingdom of God, He took the example of farmer sowing the seed. Amen. जब एक seed को बोता है, वहाँ एक process है. कोई भी किसान नहीं बोलेगा कि मैं एक दिन में फसल उपजाव कर दूंगा. There is a process. The farmer has to plow the land, then he has to sow the seed, then he has to water the field, then he has to wait, and then there is a harvest. Amen. We want to reach to the fourth place, fourth point, that God will give me the desires of my heart. Are you doing good? Are you enjoying God? Are you taking delight in Him? This is what takes you to the center of God's will. When you do that fourth thing, give you the desires of your heart, He will give. Who will give? God will give. And then once He gives, what we need to do, that is very important. Fifth thing, once He gives the desires of your heart, that means you are blessed. Right? Once you receive your blessing, we go away. But once we receive the blessing, commit your way to the Lord. Amen. It's not like till blessing, your journey continues. After you receive the blessing, take a commitment. I am going to commit my way to the Lord. Right? Many a times we are very faithful till we get the blessing. Once we get the blessing, oh yes, now let me wait for my next desire and then I will start. That is not the life of a Christian, a Christ follower. We have to commit our way to the Lord even after we receive the desires of our heart. Finally, trust in Him and He will do this. And this trusting is in continuous process. And finally it says,
ही विल डू दिस, वही पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा? आपका जो यात्रा है परमेश्वर की इच्छा के केंद्र बिंदु तक पहुंचने का, गॉड इज गोइंग टू डू दिस, गॉड इज गोइंग टू फुलफिल योर जर्नी। हालेलुया, लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज, माय टाइम इज ओवर, आमेन, हालेलुया। दिस इज व्हाट गॉड्स वर्ड स्पीक्स टू अस, हालेलुया। लेट अस कमिट आवर लाइव्स, लेट अस कमिट आवर लाइव्स एज वी आर जर्निंग। यदि आपने कुछ वचनों को आपके अंदर लिया है, इफ देयर इज अ डिसीजन दैट यू हैव टेकन, आपने एक डिसीजन लिया है, दिस इज द टाइम टू कमिट, सेइंग गॉड यस आई रिसीव दिस वर्ड, हालेलुया।